इस आइलैंड पे चलता है सांपों का राज, यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता जिंदा। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ इंसानों का नहीं बल्कि सिर्फ सांपों का ही इलाज चलता हो? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, इस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं कि यहाँ इतने सांप रहते हैं, अगर कोई इंसान गलती से भी चला जाए तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। यह खतरनाक जगह ब्राज़ील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। दूर से देखने पर यह आइलैंड बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के सांप भी मिलते हैं, यानी कि जो उड़ सकते हैं। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4,000 से भी ज़्यादा सांप हैं। ब्राज़ीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। यहाँ केवल सांपों से जुड़े विशेषज्ञ ही शोध करने के लिए जा सकते हैं, हालांकि वो भी तटीय इलाकों में ही शोध करके वापस लौट आते हैं। आइलैंड के ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लॉन्सेड वाइपर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 18 लाख रुपए है।